हम जनाब नौमान साहब या नगमान साहब, ये दोनों तरह पढ़ा जा रहा है। बहरहाल मैंने दोनों नाम ले लिया। अगर नगमान साहब मुखातिब हैं तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, नौमान साहब अगर हो तो मैं नौमान साहब से मुखातिब हूँ। आपने ये फरमाया कि क्या पेराइज बांड सूद है और क्या इससे हासिल होने वाली रकम हम अपने जाती मसरफ में ले सकते हैं। तो देखिए, मैं इस मामले में इतनी गुजारिश करूं कि हमारा अहले सुन्नत तो जमात का एक दारुल उलूम है जिसे दारुल उलूम अमजदिया कहते हैं। यहां हमारे एक मुफ्ती साहब मरहूम मकफूर थे, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपनी दरसगाह में यही फतवा देते थे कि बांड की रकम, चाहे वो इनामी हो या उसको रखना वगैरह, ये सब का सब जायज है। यानी बांड रखना, उसे बेचना, उसे फरोख करना और उस पर जो इनाम निकले वो भी जायज है। और मौलाना मुफ्ती वकारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा, उनका जो मजमू फतवा छपा है फतवा वकारिया, उसमें भी उनका ये फतवा मौजूद है। लिहाजा मैंने आपको उनका फतवा और दारुल अमजदिया से जो जारी होता है मैंने वो आपको बता दिया।